पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। और भीतर की बात में अचानक से एक बार फिर से इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को देखा जाए बहुत गौर से, तो बिहार एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि दो राज्यों के चुनाव के परिणाम आ गए हैं और दो राज्यों के चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि आज ही संभावना है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें ये घोषणा हो जाए कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होंगे। तो क्या उसके साथ साथ बिहार की चर्चा जरूरी थी? क्योंकि बिहार में तो चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है और न ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं जिसमें चुनाव आयोग को घोषणा करनी हो बिहार में चुनाव की। लेकिन बिहार में सिर्फ 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, साथ साथ इसकी भी घोषणा हो सकती है जिसकी संभावनाएँ प्रबल नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो दो राज्यों में चुनाव होने हैं उसकी चर्चा कम और बिहार के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चर्चा सबसे अधिक है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण है कि दो दिग्गज लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, जो पिछले 35 वर्षों से बिहार में अपना खूंटा गाड़ करके सरकार चला रहे हैं, उनकी अग्नि परीक्षा होनी है और इस अग्नि परीक्षा में दोनों ही बराबर बराबर दूरी पर खड़े हैं, जहां खेल से ही, मैच से ही, गेम से ही इनको आउट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरा प्लान, पूरा स्ट्रक्चर बना लिया गया है और अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं, जब आप जानते हैं कि अपने कुनवे से भटका हुआ कोई भी हो वो भटक जाता है और लोग उसे घेर लेते हैं, वही स्थिति इन दोनों की हुई है। समाजवादी विचारधारा की चर्चा आप पिछले एक सप्ताह से सुन रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार को समाजवादी कहते हुए अखिलेश यादव ने उनको फिर से वापसी करने की बात कही है, तो समाजवादियों को, समाजवाद को बचाने की जिम्मेवारी भी नीतीश कुमार पर दी जा रही है। लालू प्रसाद उस दौर के अंतिम नेता के रूप में अभी भी जीवित हैं जिनकी लेगेसी नीतीश कुमार को संभालनी है, लेकिन नीतीश कुमार भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। इसी बीच में बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव की घोषणा कब रणभेरी बच चुका है और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले का ये ट्रायल है, लिटमस टेस्ट है और इसके साथ साथ सेमीफाइनल भी इसको माना जा रहा है और इस खेल से पूरी तरह से इसी 4 सीट पर अपनी ताकत दिखा करके आउट करने के लिए कई धड़े तैयार नजर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, अभी तक जो परिस्थिति है, चुनाव की घोषणा हुई नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज। इनमें से 4 में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पास हैं और 1 सीट एनडीए गठबंधन के पास है। जीतन राम मांझी इमामगंज से चुनाव जीते थे 2020 में, ये दूसरा चांस था जब वो चुनाव जीत करके आए थे, लगातार दूसरी बार वो इमामगंज से जीते थे और इसके बाद लोकसभा के चुनाव में वो गया से सांसद बनने के साथ मंत्री भी बन गए हैं और ये सीट खाली हुई थी जहां उपचुनाव होने हैं। तो इस सीट का तो लगभग तय है कि इस सीट पर उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, चाहे उनकी बहू लड़े या बेटा लड़े, एक बेटा तो ऑलरेडी MLC है। तो इस सीट पर तो बहुत कुछ ज़्यादा जीत नहीं है, लेकिन तरारी की सीट की बात करें तो तरारी सीट पर दावेदारी बहुत हो गई है। यहाँ CPI का कब्जा था और सुदामा प्रसाद के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब यहाँ की सीट खाली हुई है और यहाँ रस्साकसी ज़्यादा है, जदयू अपनी दावेदारी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सुनील पांडे को इस सीट के लिए ही कहा जा रहा है, जैसा कि उनको अपनी पार्टी का सदस्यता दिलवाया है और सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। यहाँ भी रस्साकसी इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन में होनी है, क्योंकि तरारी सीट को लेकर के जहाँ CPI अपना दावा करेगी, वहीं कहा यह जा रहा है कि इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ कांग्रेस भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगी। कांग्रेस 2015 के चुनाव में यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो दोनों ही खेमे में रस्साकसी मची हुई है। तो रामगढ़ की बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का सीट है और इस पर इंडिया गठबंधन में कोई झमेला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। तो चिराग पासवान से लेकर के
जनता दल यूनाइटेड तक अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में लगी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तरारी और रामगढ़ में से कौन सीट जदयू के खाते में जाती है और कौन सीट भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में रखती है। ज़्यादा संभावना है कि इस बार तरारी सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना किस्मत आजमाएगी। बेलागंज की बात करें तो यहाँ भी कमोबेश स्थितियाँ वही हैं। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ किसी को आने नहीं देगी, लेकिन एनडीए गठबंधन में इस सीट को लेकर के दावेदारी कई हैं। जहाँ एक तरफ कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड पहले से ही इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा था कि बेलागंज सीट पर जीतन राम मांझी ने भी अपनी दावेदारी ठोकी है, यानी कि इंडिया गठबंधन से ज़्यादा एनडीए गठबंधन में इस सीट को मारा मारी है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन कहानी का ये एक पहलू है, ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू अभी बाकी है। हमने एक खबर संपादक नमन मिश्रा जी के साथ किया था, गेम बड़ा है। उस गेम बड़ा है में हमने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह का माहौल इस चुनाव की घोषणा से पहले हो गया है वो साफ साफ बता रहा है कि बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां और राजनीतिक माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है। फिल्म की रील की तरह धकाधक 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 वो आगे बढ़ रहा है। एक दिन पहले ही आपने खूब खबर सुनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के एक बार फिर से बिहार में यात्रा शुरू कराने वाली है। गिरिराज सिंह को उसका मुखिया बनाया गया है और वही अगुआ बनकर के बिहार के सीमांचल से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। एक बात यह है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को गेम से आउट करने का ये जो प्लान लंबे समय से चल रहा है, 2020 के चुनाव में तो आपने स्पष्ट तरीके से देखा होगा कि एक तरफ तेजस्वी यादव, जिनको पूरी तरह से उनके गठबंधन को छोड़ करके कई लोग भाग चले थे, चाहे वो जीतन राम मांझी की बात कर लें, मुकेश सहनी की बात कर लें या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, ये तीनों जो लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़े थे वो 2020 में छोड़ करके फरार हो गए थे। और इन लोगों ने, दो लोगों ने तो एनडीए गठबंधन से अपने आप को चुनाव में उतारा था, तो वहीं एक नया अलायंस बना करके उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव मैदान में उतरे थे, तो एनडीए की तरफ से भी चिराग पासवान बाहर हो गए थे। परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई थी, लेकिन 2025 यानी बिहार में विधानसभा का चुनाव चाहे जब भी हो जाए, अब तो ऐसा लग रहा है कि वक्त पर ही चुनाव होंगे या फिर इस चुनाव के बाद कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। इस चुनाव के बाद कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि इस चुनाव में क्या परिस्थिति रहती है और इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन कैसा रहता है। क्या इन चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन अपना वर्चस्व जमाने में सफल होता है या फिर एनडीए गठबंधन की दबदबा बना रहता है, इसी के आधार पर नीतीश कुमार ये फैसला करेंगे कि आगे उनको करना क्या है। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक साथ गेम से आउट करके अपने पाले में इस मैच को बनाना भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य लोगों का प्लान बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुपचाप किनारे बैठ करके पूरी तरह से मैच का आनंद ले रही है। ये मैच तीन तरफा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इस मैच का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो 12वें खिलाड़ी के रूप में खड़ी है, सिर्फ फील्डिंग करने के लिए आएगी। असल मैच नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में है और दोनों आपस में लड़ करके, आप जानते हैं, देखे होइएगा कि दो पहलवान जब आपस में लड़ते हैं एक पूरी तरह से धराशायी हो जाता है, फील्ड आउट हो जाता है, उसके बाद से दूसरा पहलवान उसके दाव पांच को देखते हुए मैदान में उतरता है। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी ये देखना चाहती है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की लड़ाई में कौन कितना ज़्यादा डैमेज होता है और उसके बाद प्रशांत किशोर की भूमिका क्या रहती है। प्रशांत किशोर को लेकर के नीतीश कुमार का जो सोचना है, हालांकि सामने सामने तो उनकी पार्टी यही कहती है कि इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने 2025 यानी बिहार विधानसभा चुनाव को छोड़ करके उपचुनाव में ही अपनी किस्मत आजमाने का और पूरा मजबूती के साथ दावा ठोकने का प्लान बना लिया है। प्रशांत किशोर को लेकर के ये बात कही जा रही थी कि प्रशांत किशोर इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे, उपचुनाव में वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अगर फेल हो जाते हैं तो मुख्य चुनाव में उनके लिए बड़ा कठिन होगा और एक प्रशासन बन जाएगा कि इनके पास कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये ऐलान कर दिया है कि वो इन चार सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। अगर कहीं प्रशांत किशोर अपने दावे में सफल हो जाते हैं
तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए इस खेल से ही बाहर होने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मुख्य भूमिका में प्रशांत किशोर आ जाएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। हम पहले से भी आपको कहते आ रहे हैं कि जिस तरह से फुल प्रूफ प्लान बना करके सेमीफाइनल में ही पैकअप कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा दबाव जदयू पर नहीं डालेगी। इस उपचुनाव में वो अपनी किरकिरी नहीं करना चाहेगी और प्रशांत किशोर के माध्यम से वो दोनों की शक्ति को जांचना चाहेगी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां क्या होंगी। जिस तरह से बेलागंज में सुरेंद्र यादव, जो कि वहां के विधायक हुआ करते थे, 2024 में चुनाव जीत करके एमपी बन गए जहानाबाद से, और अब वहां से उनके परिवार के किसी सदस्य को उतारा जाएगा, यानी राष्ट्रीय जनता दल यहां चुनाव लड़ेगी, तो निश्चित रूप से अब देखना होगा कि जदयू यहां से किस तरह का अपना चुनाव में प्रदर्शन कर पाती है। रामगढ़ की बात करें तो यहां भी जदयू और आरजेडी के बीच में ही लड़ाई संभव लग रही है। तरारी की बात करें तो यहां भी अब भारतीय जनता पार्टी ने सुनील पांडे को ज्वाइन कराया है, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि सुनील पांडे यहां चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यहां भी जदयू की दावेदारी है। उसके अलावा इमामगंज की बात करें तो यहाँ किसी की दावेदारी नहीं है, यानी अगर तरारी की बात करें तो एकमात्र सीट ऐसी है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की कुछ संभावनाएं बन रही हैं कि वो अपना उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन असल लड़ाई त्रिकोणीय में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच में है। प्रशांत किशोर इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में जो चार क्षेत्रों में, चार विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, और जैसा कि संपादक मोहन मिश्रा जी बताते भी हैं, उन्होंने कहा भी था मेरी पिछले खबर में मेरे साथ, कि प्रशांत किशोर ऐसे किसी उम्मीदवार जो कि पावरफुल भी हो और दोनों खेमे में से मजबूत दावेदारी रखता हो, वो छटक के आ जाएगा तो परिणाम बदल सकते हैं। प्रशांत किशोर बहुत कुछ अगर नहीं करेंगे तो चुनाव को प्रभावित जरूर करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर इस शक्ति परीक्षण में कहां तक अपने आप को आजमा सकते हैं। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को गेम से आउट करने का जो फुल प्रूफ प्लान बताया जा रहा है प्रशांत किशोर ने बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी उस प्लान को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रही है, वो कितना सफल होता है? क्या सेमीफाइनल में ही इन दोनों का पैकअप करा दिया जाएगा? ये सभी सवाल हम आपके साथ छोड़ के जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं, बाकी की खबरों में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।